वेलकम टू माय चैनल और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो मैं हूँ आप सबकी प्यारी सिज़लिंग कृतिका। आज हम फिर से डी मार्ट में आए हैं जहाँ वेडिंग सीजन लगा हुआ है। तो देख सकते हो यहाँ वाकई में बहुत अच्छा अच्छा कपड़े आ चुके हैं। तो चलिए हम आपको अच्छे से दिखाते हैं। और मुझे बहुत अच्छा ये डेकोरेशन लगा जहाँ लिखा हुआ है वेडिंग सीजन डी मार्ट। ये बेबी का फ्रॉक बहुत ही अच्छा लगा, मैंने सोचा ले लूँ, लेकिन मेरी बेबी वाकई में बहुत ज़्यादा छोटी है तो फिलहाल तो होल्ड पे रखेंगे। लेकिन ये ड्रेस मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगता है, प्रिंसेस वाली ड्रेस। और ऐसे ड्रेस को देख के मुझे भी मन करता है काश मैं भी छोटी सी बच्ची होती। तो चलिए वेडिंग ड्रेसेस में मैं देख लेती हूँ कि वेडिंग ड्रेसेस में क्या आया है। तो ये प्यारा सा लहंगा जो 500 का है, जो वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। चलिए अब दिखाते हैं इसमें वेराइटीज़ कितनी है, कलर्स कितनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ बादामी कलर का भी है, मरून कलर का भी है, येलो कलर का भी है। वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा, पर अभी कोई वेडिंग सीजन मेरे लिए नहीं है। तो उसके बाद देखिए बहुत सारे क्लचर्स थे जो ओनली 35 रुपीज़ की थी, जो वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी। मतलब आप क्लचर भी बाई कर सकते हो। हेयर बैंड था, मुझे इस टाइप का नहीं लेना था, कपड़े वाली लेने थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं गई ये पीतल का वो लेना था जिसमें आप टीका रख सकते हो, ये वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और जस्ट 129 का था। तो मुझे लगा ये बहुत ही सस्ता है, आप देख सकते हो हर रेंज में लिखा हुआ है। और ये मैं एक छोटा सा पॉट ले ली हूँ अपने और बम्बू पॉट में देख सकते हो, बहुत सारी थी तो मुझे पिंक वाली अच्छी लगी तो मैंने ले लिया। तो दीदी ने बोला था कि टी शर्ट देखने के लिए, तो मुझे तो कुछ खास टी शर्ट के कलेक्शन में लगा नहीं। मतलब ऑब्वियसली ये जितना इसका रेंज था इतना हाई था 199 का, तो मुझे लगा नहीं कि 200 का है, तो मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने दीदी को बोल दिया कि कोई बात नहीं, मुझे मैं तुम्हें पटना से ही दिला दूंगी। तो आप देख सकते हो कपड़े वाइज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो उसके बाद अब चलते हैं, मुझे दिखा सडनली टेडी और आई लव टेडी। पर ये टेडी 999 का है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, फिर 600 का है, देख सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली था तो मैंने फिर से अपना दिल को छोटा करके मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा था कि बच्ची के लिए ले लूँगी, पर आई मस्ट से कि ऑनलाइन टेडी का कॉस्ट भी सस्ता है और अच्छा है। तो फिलहाल हम बच्चे बन गए और मैं बजाने लगी सारे गा मा पा। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा खिलौना लगा कि बच्चों के लर्निंग के लिए बहुत ही बहुत खूबसूरत है। और मेरी नज़र पड़ी इस कार पे जो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा है और ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा सस्ता है, मतलब 1300 का है। वाकई में बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा आपको खोल के दिखाऊंगी, पर ये कोई तो अटका के चला गया जो मुझसे नहीं खुला। तो मकर संक्रांति स्पेशल लगा हुआ था, देख सकते हो यहाँ बहुत सस्ते सस्ते सब कुछ मिल रहे थे। आपके छोटे से कटोरा चाहे जो भी हो सामान रखने के लिए, प्लास्टिक की चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो बहुत जस्ट 939-49 के थे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप देख सकते हो मुझे ये लेना था क्योंकि मेकअप रखने के लिए, मतलब लिपस्टिक ऐसे ही रखता है, तो मैंने एक ले लिया था। फिर ये था बाय वन गेट वन फ्री में, तो बहुत ही अच्छा था, मैंने ये भी एक ले ली तो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप देख सकते हो, और मुझे इपी का आटा नूडल्स लेना था जो भाभी ने बोला था। इसकी टेस्ट वाकई में बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो मैं इसमें भी बाय वन गेट वन फ्री था तो मैं भी एक पैक फ्री ले ली। फिर था राइस मेला, राइस मेला लगा हुआ था, इसमें बहुत ही वेराइटीज टाइप के राइसेस थे, उसके अलग अलग प्राइसेस थे, देख सकते हो आप। जस्ट 46 के थे, कुछ 58 के थे, तो आप देख सकते हो 70 रुपीस का। तो ये वाकई में बहुत टाइप्स के राइसेस थे जो मैं सही में मैं हर टाइप के राइसेस को नहीं बता सकती हूँ, लेकिन देखने में स्मेल तो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो आप देख सकते हो राइस मेला भी लगा हुआ है डिमार्ट में, आप वहाँ से विजिट कर सकते हो और बहुत अच्छी अच्छी टाइप्स के राइस ले सकते हो। उसके बाद हम लोग चले आए कि अब हम लोग चावल ले लिए हैं और इसे हम लोग टाइपिंग करें, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप अपने हिसाब से लाइए, फिर यहाँ उसके वजन होंगे। और माँ ट्रॉली ले रही थी, मैंने बोला कि माँ अब तुम चलाओ और मैं तुम्हारी प्यारी सी वीडियोस बनाती हूँ, तो माँ बहुत ज़्यादा खुश थी, देख सकते तो देख सकते हो डार्क फैंटेसी चोको फिल्स है जो 70 रुपीज़ में है, 72 रुपीज़ में, वाकई में बहुत अच्छा लगा। और इसमें हाइड एंड सीक था जो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे सुअर के क्लॉटेड होते हैं। तो फाइनली माँ ने बोला कि तिलकुट का रेट देखो, तो बाय वन गेट वन फ्री था तिलकुट पैक, पर तिलकुट इतना हार्ड था कि इससे अगर किसी को मारो तो उसके सर फूट जाने हैं। तो फाइनली हम लोग रख दिए। और आप देख सकते हो मार्ट में सेक्शन वाइज है कि जैसे मेंस ग्रूम स्किन केयर एंड हेयर केयर था, इससे उसमें हर टाइप के मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी शॉपिंग तो हो चुकी है, भैया बिलिंग में लगे हुए थे तो मैंने सोचा कि आपको अच्छे से दिखा दे रही है। यहाँ है फिर डी मार्ट का चॉकलेट्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, जूस है, टिश्यू है और
पार्टी प्रोडक्ट्स है, तो देख सकते हो आप इधर पूरे कोल्ड ड्रिंक्स थे, अब बहुत टाइप के कोल्ड ड्रिंक्स थे जो मुझे वाकई में बहुत अच्छे लगे, तो ये बहुत अच्छी है। तो फाइनली हमारी शॉपिंग हो चुकी है और हम लोग बाहर निकल चुके हैं और अपने कैब का वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब लास्ट बार आखिरी बार मैं आपको डीमार्ट का रिव्यू दिखा दे रही हूँ, वाकई में बहुत अच्छा है। यहाँ नो पार्किंग है और बहुत सारे बाइक्स लगे हुए हैं और एंट्री यहीं से होती है। और ये देख सकते हो वाकई में बहुत खूबसूरत है, कुछ बाइक्स इधर भी है। और फाइनली घर आके बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और सरप्राइज़ मिला हमें, घर आते ही ये सरप्राइज़ मिला कि भाभी हमारे लिए गोलगप्पे बना रही है, ऑलमोस्ट बना चुकी थी। और देखिए यहाँ छोटे छोटे गोलगप्पे बेल के रख दी थी और वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि जब से मैं 5 महीने से पुणे में हूँ और गोलगप्पे खाने के मुझे नहीं मिले थे, तो फाइनली आते ही ये बहुत अच्छा सरप्राइज़ था। थैंक यू सो मच भाभी। फाइनली पूरे गोलगप्पे अब छना चुके हैं, देख सकते हो वाकई में सारे फूल रहे हैं, गोलू गोलू एकदम, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा। और देख सकते हो हम लोग इतने सारे गोलगप्पे बना चुके हैं, मतलब वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और पटना का याद आ गया मुझे, मतलब वहाँ देख सकते हो बिल्कुल क्रंची है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अब फटाफट चलते हैं अब चोखा की और चटनी की तैयारी करते हैं पानी की। तो पानी बिल्कुल हाइजेनिक बनाने वाले हैं, तो मिर्ची और धनिया के पत्ते से बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसे अच्छे से हम लोग पीस लेंगे, उसके बाद देखिए हम छोला को बस हल्के में बनाए हैं, हल्दी डाल के नमक डाल के, और हमारा चोखा भी तैयार है ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले उसके बाद हम लोग कुछ धनिया पत्ता कट कर लेते हैं चोखा के लिए और थोड़े से 2 प्याज कट कर लेते हैं। और छोटी छोटी बारीकी तरीके से हम लोग मिर्ची भी कट कर लिए और बहुत पतली पतली, देख सकते हो बहुत पतली पतली तरीके से भाभी काट रही है प्याज, जो वाकई में मुझे बहुत पसंद है। तो फाइनली हम लोग का चोखा तैयार है, देख सकते हो वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और एक दूसरी तरफ हमारा पानी भी तैयार है, उसमें भी हम लोग थोड़ा सा प्याज डाल दिए हैं कटी हुई और धनिया का पत्ता डाल दिए हैं, चोखा प्याज दोनों तैयार है। तो अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, तो थोड़ा चोखा में हम लोग जो फूले नहीं थे वो वाले गोलगप्पे अच्छे से मैश करके डाल दिए हैं और अब फटाफट खाने चलते हैं। तो देख सकते हो वाकई में बहुत ज़्यादा क्रंची है और मैं इसे फिल करके दिखाऊंगी। और देख सकते हो सबसे पहले मैं स्पून से थोड़ा सा चोखा लेती हूँ, जो थोड़ा सा नहीं, मुझे चोखा बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा चोखा लूँगी। उसके बाद आप देख सकते हो पानी बिल्कुल हाइजेनिक है, इससे कोई भी आपको स्टमक हार्म नहीं होगा और वाकई में बहुत अच्छा है। खट्टा करने के लिए हम बस नींबू डाले हैं और देखिए फटाफट तैयार है, तो खाते हैं अब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। ओके बाय बाय, टेक केयर।